वीडियो में मैं बना रही हूँ थैंक यू कार्ड, तो इस तरह के दो कलरफुल पेपर हमें लेने हैं, एक बेस कलर का और दूसरा रेड कलर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लाइट कलर के पेपर के ऊपर हमें पेंसिल से ड्राइंग करनी है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रोज़ फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ। डिज़ाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें इस डिज़ाइन को कट करना है, तो इसके लिए मैं थर्माकोल कटर का यूज़ कर रही हूँ। बच्चे यहाँ पे इस वर्क के लिए अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज़ ये करना उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस तरीके से हमें सारे डिज़ाइन को कट करना है और इनके बीच में से पेपर को निकाल लेना है। यहाँ पे डिज़ाइन रेडी है, पेंसिल को हम इरेज कर लेंगे। अब इसके अंदर रेड कलर के पेपर को पेस्ट करना है, तो बेस कलर के पेपर के बिल्कुल मिडिल में फेविकॉल लगाएंगे और इस पर रेड कलर का पेपर पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही कार्ड को बंद करेंगे तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब जो फ्लावर्स हमने कट किए हैं इनके बीच में भी फेविकॉल लगा देंगे, जिससे ये जो डिज़ाइन है पेपर पे अच्छे से स्टिक हो जाएगी। दोनों पेपर्स को आपस में स्टिक कर देंगे। अब कार्ड के ऊपर मैं बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैं ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ और एक स्केल की हेल्प से लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। इन दोनों लाइंस को मैं थोड़ा थिक रखूँगी और बाकी की दो लाइंस को हल्का सा थिन रखना है। बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर हम थैंक यू लिख देंगे। यहाँ पे फॉन्ट्स को मैंने 3D लुक दे दिया है। अब कार्ड को अंदर से डेकोरेट कर लेंगे। कार्ड के अंदर की डेकोरेशन को सिंपल रखना है। यहाँ पे मैं थिक लाइंस का बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ और उसके अंदर थिन लाइंस को ड्रॉ करूँगी। बॉर्डर क्रिएट हो चुका है, कार्ड के अंदर मैं अगेन थैंक यू लिख रही हूँ। अब क्योंकि कार्ड टीचर को देने के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मैं टीचर के लिए एक लाइन लिख रही हूँ। I will never forget my time in your class, एक स्माइली क्रिएट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं फ्रॉम लिख दूँगी और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इंडस आर्ट ऑर्बिट को।